फाइनली हमारे पेपर्स तो खत्म हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल योर व्लॉग्स पर। पेपर से अभी थोड़ी देर पहले ही फ्री हुआ था, तो अब यूनिवर्सिटी से घर जा रहा हूँ और आज से मैंने प्लान बनाया है कि डेली व्लॉगिंग करेंगे, रोजाना एक ना एक वीडियो अपलोड किया करेंगे। गाइस, घर पहुँच चुका हूँ मैं, अब जाके फ्रेश होते हैं, फिर आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। अभी मैं घर आके फ्रेश हुआ था, थोड़ी देर रेस्ट की है और उसके बाद अब बोर हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्त के पास चलते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ दोस्त के पास, वहाँ जाके आपको मिलते हैं फिर। आजकल एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये दोपहर के वक्त बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही। बहुत तो शुक्र है कि हमारे क्लब में पंखा लगा हुआ है, उधर आके बैठे और अभी आके बैठे थे और लाइट भी जा चुकी है। अभी मैं आया हूँ अपने दोस्त अरशद के पास। हाँ, आखिरी मैच था, आखिरी पाकिस्तान की ODI मैच था। भाईजान मैच देखने जा रहे थे और मेरे पास टिकट्स नहीं थी। पिछले दो मैचेस में मैंने टिकट्स दोस्तों से ली थी क्योंकि फ्री मुझे टिकट्स मिली थी वहाँ से। कल के मैच की मैंने इससे यार टिकट ली और उसके बाद प्रिंट आउट करवाए उसके। अब कल जब मैच में जाने लगे, अहमद वगैरह के साथ मेरा प्लान हुआ था कि चलते हैं आज ना मैच देखते हैं। अब वहाँ स्टेडियम पहुँचे तो थोड़ा सा लेट हो चुके थे, फर्स्ट इनिंग्स ख़त्म होने वाली थी। स्टेडियम की पार्किंग में पहुँचे तो वहाँ पे बहुत रश लगा हुआ था, हमने टिकट वगैरह चेक करवाई। थोड़ा सा आगे शटल सर्विस थी, वहाँ से जाके हमने फिर स्टेडियम जाना था क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी स्टेडियम्स हैं उनकी पार्किंग थोड़ा सा दूर होती हैं। अब जब हमने टिकट चेक करवा ली, आगे चले गए तो वहाँ पर पुलिस खड़ी भी हो, वो कहे कि आप नहीं अंदर जा सकते। अब हमारे पास तो टिकट्स थी, स्टेडियम ओवरक्राउड हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने गेट बंद कर दिए थे। अब हम तो मैच नहीं देखने गए थे लेकिन भाईजान कल मैच देख के आए हैं पाकिस्तान का। अगर आप जल्दी चल लेते हैं घर से तो फिर पहुंच जाते ग्राउंड। यार टिकट से लेट प्रिंट करवाई थी, ऊपर से वो दोस्त वगैरह ने लेट करवा दिया था। 4 बजे निकले थे। अच्छा, 5:30 बजे आके पहुंचे थे, 1.5 घंटा मुझे से लेट हो गए थे, बहुत रश था बाहर। एंड में ग्राउंड फुल हो गया था, फुल यार में जगह नहीं थी। यार मैं टीवी में देख रहा था कि इतना रश नहीं था लेकिन पता नहीं इन्होंने स्टेडियम का गेट क्यों बंद किया था। अभी दोस्त के पास से फ्री होकर घर आया था तो हमारे पास आ चुका है अब हमारा दोपहर का खाना, जिसमें हमारे पास राइस, तो अभी जल्दी से इसे खाते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मेरे गले में बहुत दर्द था तो मैं यहाँ से मेडिसिन लेने आया था, मेडिसिन ले लिया। अब चलते हैं घर। आज हमारा लास्ट पेपर था जिस वजह से ना तकरीबन हमारी जो क्लास के दोस्त हैं ना वो आए हुए बाहर के शहर से, लाइक लाहौर के कोई, फैसलाबाद के कोई, कहीं का है। तो सारों का मिल के प्लान हुआ है कि यार कहीं बाहर चलते हैं, तो अभी मैं पहले तैयब के पास जा रहा हूँ। भाई कैसे हैं आप? मैं फिर जानी सुनो, आज का क्या प्लान है फिर? आज इंशाल्लाह। अच्छा, तो बात देखेंगे क्या करते। सही। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे खाना खाने। निकल नहीं आ रही। हमारे साथ मौजूद है साकिब भाई, शहीद, बाकी ये सारे आप जानते होंगे ना डिफॉल्टर। यहाँ पे इस वक्त लाइट गई हुई है और यहाँ पे ताश खेली जा रही है। अभी यहाँ पे खाने का वेट करते हुए तकरीबन हमें 1.5 घंटे हो गए। सो गाइस, खाना खाते हुए हमने व्लॉग नहीं बनाया था, अब खाना खा लिए उसके बाद अब बिल का इशू चल रहा है। साकिब भाई को आप देख सकते हैं, ट्रॉफी 1000 रुपया बिल बने है, उसके बदले अब्दुल्ला को हम ये देंगे। ए ओ व्लॉग्स का ये आइकन होगा आज से। तो आज का व्लॉग तो छोटा सा बना है लेकिन अभी व्लॉग खत्म नहीं कर रहे, अभी हमने आगे चाय वगैरह भी पीने जाने हैं। हमने खाना तो खा लिया है लेकिन बिल थोड़ा सा ज्यादा बन गया था। हमारे दो फेलोज गए अभी बिल पूरा करने, तो वो आते हैं तो बिल दे के पीछे। शहीद भाई, हमारे पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं, आपको पता होगा। मुझे तो बहुत खुशी हुई है पेपर्स कंप्लीट होने की, यार बंदा एक तो रिलैक्स हो जाता है। जो स्लाइड थे जैसे कि मैं घर जाएंगे यार, घर वालों से मिलेंगे। अच्छा, आप सिर्फ आज इसी गेट टुगेदर की वजह से आज आप रुके हुए हैं, वरना आपने आज चला जाना था दोपहर को, लेकिन मैं इस गेट टुगेदर की वजह से रुका। आप अभी क्या इजी फील कर रहे हैं? आपकी तो UMC भी लगी हुई है। UMC इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। बाकियों के तो पेपर्स खत्म हो गए लेकिन हम तीन दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने एक और पेपर देना है हफ्ते बाद, जिनमें एक मैं भी शामिल हूँ और एक उस्मान गनी भाई और एक लौती साहब। तो अब अगले पेपर की भी तैयारी करनी है। शहीद का तो UMC का भी इशू चल रहा है, बाद में ही होगा इसका पेपर, अगले साल है ना, अगले सेमेस्टर में नहीं।
जो सब्जेक्ट जिस रेगुलर में भी दे सकते हैं, रेगुलर में ही देना है, बल्कि रेगुलर में अगले साल आएगा ये सब्जेक्ट भी। हाँ हाँ, अगले साल। लेकिन अभी साल दूर है आपकी। ये तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो खाना खा लिया और अब सब भी आया हूँ, तो घर वालों की कॉल आई थी कि कुछ खाने को लेते आना, तो रास्ते में अब सब भी पड़ा था तो सब भी लेने आए हुए हैं। अब ये ले के चलते हैं घर। अभी मैं घर आया था और आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़। और आप देख सकते हैं आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है, दवाई ने भी